हम इस टाइम है देवांगना कोल्ड स्टोरेज तिरवा में, और मैनेजमेंट कंपनी पूरी बैठी है जो कोल्ड को संभालती है, सभी लोग बैठे कर्मचारी लोग। हालांकि मैनेजर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कोल्ड की क्या स्थिति है अच्छी तरीके से आप लोगों को जानकारी है कि अब कोल्ड लगभग लगभग खाली हो चुके हैं। पूरी साल कोल्ड के विषय में हम बताते रहे और ये भी बताते रहे कि बेचना चाहिए, बेच लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अब लास्ट टाइम है, अब स्थिति क्या है, लगभग कोल्ड खाली हो चुका है। जो भी 100, 200, 500 पैकेट हैं किसानों को सूचित करके माल बरामदे में लगा दिया गया है, मशीनें बंद हो चुकी हैं। अब भैया लोगों से बात करेंगे कि क्या अभी भी कुछ कोल्ड में है, क्या व्यापारी ले रहे या नहीं ले रहे, इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। भैया शुभ नाम? अंकुश राजपूत। बताइए राजपूत जी, क्या पोजीशन है? पोजीशन अब खाली हो चुका है कोल्ड पूरा, खाली हो गया। अभी भी कुछ है अंदर? नहीं अंदर नहीं, खाली था, बाहर आ गया है, बरामदे में रखा हुआ है। ये जो बरामदे में रखा है क्या किसानों को सूचित? किसानों को, सभी लोगों को फोन कर दिया गया है, और जो किसान को जरूरत है वो आलू पैट करके पर्ची और अपना ले जा रहे हैं। कितने पैकेट बाहर होगा लगभग? वही होगा लगभग 500-600 पैकेट। 500-600 में बीजा कितना होगा, छट्टा कितना होगा? बीजा ज्यादा होगा और छट्टा कम है। तो कुल मिलाकर के कोल्ड पूरी तरीके से अब खाली, यही स्थिति लगभग लगभग कन्नौज के सभी कोल्डों की है। कल परसों हम कुमार कोल्ड में बैठे थे, उनसे भी मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने भी यही कहा भैया आप खाली है, लगभग बस सफाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी माल है कोल्डों में धीरे धीरे खाली। लेकिन जो नया आलू है अगेती, उसका रेट सही चल रहा है। राजपूत जी कुछ रेट मालूम हुआ, क्या रेट है नया? नया आलू है 1100 पैकेट। अगेती जैसे पानी बारिश के कारण कम बोया गया था, इसका कुछ असर दिखाई दे रहा? अभी तो नहीं, अच्छा आलू निकल रहा है खेतों में, तो कोई खास असर नहीं, आलू अच्छा निकल रहा है, रेट भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर जिन किसान भाइयों के आलू तैयार हैं वो अपना आलू सही समय पर बेच लें, यही ज्यादा उचित होगा।